वीडियो का बस दो हिस्सा कर देंगे, तो वही कर चुका हूँ अभी। और सुबह सुबह बिट्टा में, बिट्टा थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, इधर पटना से थोड़ा अलग है इधर, और पास ही में यहाँ स्टेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बस शाम को शाम। और अभी यहाँ से फिर निकलेंगे 4:30 बजे, 4:30 नहीं, हाँ वैसे कुछ में, यहाँ से ट्रेन है सुबह का। अभी थोड़ी देर बाद फ्रेश व्रेश होकर अभी जस्ट सोकर उठाएँ, रात को वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बाद वीडियो भी ठीक से एडिट नहीं हो पाया, काइंड मिस्टर बार बार लैग हो रहा था उसका, वैसे फिर से अभी पटना जाके अभी डायरेक्ट एडिट करेंगे थोड़ा बहुत, और अपलोड पटना ही जाकर करेंगे फिलहाल। अभी ट्रेन चालू हो चुका है, शायद दिख रहा होगा तो दिखे, और वीडियो को बस सुबह कर देते हैं। और मैं गला थोड़ा बैठ चुका है, ज़्यादा यहाँ का ठंडा पानी हो सब पी के गला बैठ चुका है थोड़ा, और देखते हैं लोग जैसे भी करना है तो करना है, हमें अभी निकलेंगे तो तब मिलते हैं। देखिए हो रहा, उधर ट्रेन जा रही है, वही स्टेशन है, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही है बिट्टा और पटना से काफ़ी है। पटना यहाँ से थोड़ा 28 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, सुबह सुबह एकदम मस्त छत पर आके एकदम अच्छा लग रहा है। अभी हम फाइनली आ चुके हैं गोलघर घूमने भैया के साथ, अभी पहुंचे जस्ट अभी, और बस और 10 मिनट का टाइम है, 5:30 बजे बंद हो जाएगा, तो अभी घूम लेते हैं फटाफट। और बिट्टा से कल ही आ गए थे और कल ब्लॉग किया नहीं क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा था, और गाना जो बज रहे थे उसके वजह से कॉपीराइट ना लग जाए, इसी वजह से ब्लॉग नहीं बनाए। और आज गोलघर आए हैं तो इसका ब्लॉग बना लेंगे फटाफट 10 मिनट के अंदर, देखते हैं कहाँ कहाँ लेंगे यह शॉट। थोड़ा मोटा पार्क वार्क है और अच्छा लग रहा है भाई, सोच के रखे थे लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन से पहले कि घूमेंगे, लेकिन लॉकडाउन लग गया। चलिए फाइनली अब घूम लेते हैं भैया के साथ, तो घूमते हैं थोड़ा इधर उधर 10 मिनट। चार कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं, थंबनेल के लिए भी हो जाएगा और यादगार वीडियो तो है, फिर भी फ़ोटो लगाएंगे व्हाट्सएप पर तो चाहिए ना भाई स्टेटस भाई गोलघर में सब अपना लवर्स का नाम लिख गए हैं सब, ये देखो भाई जहाँ था देखो, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, बस अपना नाम लवर्स का नाम लिख गए, गोल घर के साथ फोटो भी क्लिक कर चुके हैं, और अब जा रहे हैं थोड़ा सामने पार्क है वहाँ पीछे, वहाँ वहाँ जाएंगे थोड़ा देखते हैं, वहाँ भी थोड़ा घूम लेते हैं, आखिर आए हैं तो आखिर घूम लेते हैं। गोल घर पर चढ़ना मना, गोल घर पर चढ़ना मना है वरना उस पर भी चढ़ते, 4-5 साल से बंद हो चुका है फिलहाल, अगर होता तो घूमते जाकर। अभी पार्क पर पहुँच चुके हैं, पार्क गोल घर के सामने इधर गोलघर, और ये पार्क से जा रहे हैं, आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो चुका है, दिखा दो बंद परिचित है, गेटवा बंद है, ये आ गया गेटवा आ गया रे, हाँ ये रहा गेट, ये से ऊपर जाता है ये सीढ़ी, तो ये बंद है इसी वजह से नहीं जा पाए, अभी शायद 4-5 साल से बंद है इसलिए अभी बड़े से टूट टूट रहा है इसका, ये देखिए ये पार्ट जो ये इसी वजह से टूट रहा है जहाँ तहाँ से, इसलिए अभी बंद करके रखा है इसका, अभी जब रिपेयर होंगे तभी कुछ होगा, तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है और निकल रहे हैं बाहर, ये आ चुके हैं गोल घर के बाहर, गांधी मैदान में देखते हैं कि रावण का वो जो क्या बोलते हैं रावण वध हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
फिलहाल जा ही रहे रास्ते में, पास ही में, बगल में गोलघर के पास में एक गांधी मैदान है, वहीं जा रहे हैं। देखते हैं अगर होगा तो देखते हैं बाहर। और यहाँ एंट्री नहीं मिल रहा है, सब जगह से गेट बंद करके है और ना ही यहाँ ये रावण का वध हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए रोज ऊपर ये रोटेटिंग रेस्टोरेंट जो है पूरा घूमता है गोल होकर, अभी फिलहाल नहीं घूम रहा है। अभी देखते हैं घूमते फिरते अब घर ही जाएंगे, घर ही जाकर खाना वाना बनाना ही बनाएंगे फिलहाल। देखते हैं अगर अभी वाल कूद गए उस पर भी जा सकते हैं, अगर गए तो घूमा घूमेंगे फिर अब देखते हैं फिलहाल। फाइनली आ चुके हैं घर घूम फिर कर। गांधी मैदान तो बंद था और गोलघर पे जब उठने नहीं मिला क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए। और अभी जाऊँगा नहाने, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे उसके बाद।